राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोल। उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है, वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब ये बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं। कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह जैसे ही इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के सभी कार्यकर्ताओं पर हमलावर होते रहते हैं। हाल ही में सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर खूब हमलावर हुए। इसी बीच जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने वीडियो जारी करके उनके इस हमला का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह राजद के नेता रहते हुए बीजेपी के एजेंडों पर काम करते हैं और उसके बाद जदयू पर लगातार हमलावर होते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरह की टिप्पणी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं महागठबंधन और राजद की ऐसी क्या मजबूरी है जो सुधाकर सिंह को अब तक अपनी पार्टी में जगह दिए हुए हैं। सुधाकर सिंह को जल्द से जल्द पार्टी से हटा देना चाहिए। ये तमाम बातें अभिषेक झा कहते हुए नजर आए हैं। आप जरा देखिए कि अभिषेक झा क्या कुछ कहते हैं। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है, वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब ये बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।